नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास बहुत अच्छा हूं। चलिए शुरू करता हूं आज का यह वीडियो। रेगिस्तान में फूल कैसे खिलते हैं ये देखना है तो सऊदी अरब चले जाइए, जहां कभी रेतीले बवंडर उठते थे और उसके बीच इंसान ऊंट पर बैठकर दौड़ लगाया करते थे। लग्जरी और अमीरी का नामो निशान कहीं नजर नहीं आता था, बल्कि धूप की तपेश जिंदगी में तकलीफों को बढ़ाती रहती थी। वहीं आज अगर हम दुबई की बात करें तो याद करते हैं बुर्ज अल अरब, बुर्ज खलीफा जैसी अनगिनत आसमान को चूमती हुई इमारतें, रात की रंगीनियां, अमीरों के रंगीन शौक, महिलाओं का पर्दा और महिलाओं पर पर्दा। इस्लाम के कानून पर चलता एक ऐसा देश जो आज विकास के हर ऊंचे पायदान से दुनिया को सभी मोर्चों पर टक्कर दे रहा है। यूं तो वहां के लोकल लोगों की आबादी बाहर से आने वाले लोगों के मुताबिक बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद भी अपनी दौलत के दम से वो पूरी दुनिया पर राज करने की ख्वाहिश रखते हैं। बने रहिएगा इस वीडियो में आखिरी तक, क्योंकि दुबई की शुरुआत से लेकर करंट पोजीशन और फ्यूचर विजन से रिलेटेड कुछ ऐसी जबरदस्त इन्फॉर्मेशन आज हम लेकर आए हैं आपके लिए। अरे भैया रुको, पॉपकॉर्न भी तो रख लो यार, ताकि वीडियो भी देखते जाओ और खाने का लुत्फ भी उठाते जाओ। आइए चलते हैं दुबई की मदमस्त कर देने वाली गलियों में। फारस गल्फ के साउथ में अरब प्रायद्वीप पर बसा दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात के 7 अमीरातों में से एक है। एक संघीय ढांचे के अंतर्गत एक अन्य अमीरातों के साथ कानून, राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक कार्यों को साझा करता है। संयुक्त अरब अमीरात का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है। आज एक वर्ल्ड क्लास कमर्शियल सेंटर के तौर पर अपनी पहचान बना चुका है। यह एक रिच और ब्यूटीफुल शहर है। यहाँ आसमान को छूती इमारतें, टूरिस्ट प्लेसेस के साथ साथ लोकल पीपल की लग्जरियस लाइफ स्टाइल इसे मिडिल ईस्ट का पेरिस बनाती है। दुबई का डेवलपमेंट 1960 के बाद स्टार्ट हुआ। यहाँ तेल भंडारों का पता लगा, लेकिन केवल 50 सालों में ही इसने इतनी तरक्की कर ली कि आज यह विश्व के शानदार शहरों में गिना जाता है। दुबई के लोकल लोगों को अमीराती कहते हैं। ये दुबई की कुल जनसंख्या का मात्र 15% है। शेष आबादी फॉरनर की है, जिसमें मेक्सिको, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिलीपींस से आकर दुबई में बसे हुए लोग हैं। दुबई की पॉपुलेशन लगभग 28 लाख है, जिसमें से 43.4% इंडियन है। भैया हम भारतीय किसी से पीछे नहीं होते, वहां भी जाके हमने कब्जा जमा लिया। अबू धाबी के अलावा दुबई संयुक्त अरब अमीरातों के उन 2 अमीरातों में से एक है जिसे देश की असेंबली के अकॉर्डिंग नेशनल इंटरेस्ट के सब्जेक्ट पर वीटो पावर मिली है। अरेबिक यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, जैसे हमारे यहाँ की क्या है भैया, हिंदी, जो आप सुन रहे हैं, लेकिन लोग ज्यादातर अंग्रेजी का यूज करते हैं। दुबई को दुनिया का सबसे सिक्योर देश माना जाता है। यहाँ क्राइम रेट 0 है। यहाँ के लोग मानते हैं कि इसका कारण है शरिया कानून का होना। दुनिया का सबसे बड़ा रोलर कोस्टर दुबई के अबू धाबी के फरारी वर्ल्ड में है। इसकी रफ्तार 240 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। फरारी वर्ल्ड दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर थीम पार्क है। अब भैया मैं वास्तव की चेन, मतलब संजय दत्त जी ने जो वास्तव फिल्म में चेन पहनी थी, ढाई तोला आई ढाई तोला, वही चेन के बारे में बात कर रहा हूँ। विश्व की सबसे लंबी गोल्डन चेन दुबई में है, जिसकी लंबाई 4.2 किलोमीटर की है। इसका वजन लगभग 22 किलो है और इसे 9600 लोगों ने मिलकर खरीदा है। मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर इसे बेचना होगा तो भाई कितने टुकड़े होंगे, आप ही काउंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दुबई के लोग लग्जरी फोर व्हीलर्स के शौकीन हैं। दुनिया की एक से बढ़कर एक बेहतरीन कारें यहाँ देखने मिल जाती हैं। दुबई में स्पोर्ट्स कार ज्यादा हैं। यहाँ तक कि दुबई की पुलिस भी बैटली लंबरगिनी फरारी पर चलती है, ताकि वे क्रिमिनल्स को आसानी से पकड़ ले, क्योंकि यहाँ के क्रिमिनल्स भी इन्हीं कार पर चलते हैं। 1968 में दुबई में मात्र 13 कारें ही रजिस्टर्ड थी, जो आज बढ़कर 2 मिलियन से ज्यादा हो गई हैं। भैया वो सब तो ठीक है, लेकिन दुबई के चोरों की बात तो, मतलब फरारी चलने वाले चोर, अरे मायने रखता है यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हर जेब्रा क्रॉसिंग पर एक स्विच होता है, जिसे प्रेस कर ट्रैफिक को रोका जा सकता है। रास्ता पार करने के बाद स्विच दबाकर ग्रीन सिग्नल दिया जा सकता है। दुबई में पैदल चलने वाले बहुत कम हैं, फिर भी यहाँ पैदल यात्रियों के लिए ट्रैफिक नियम आसान है। दुबई में गाड़ी चलाते समय हॉर्न बजाना मतलब मुसीबत मोल लेना, आगे चल रहे वाहन चालक को अपमान करने के समान है। इसलिए यहाँ समानतः लोग अपनी गाड़ी का हॉर्न नहीं बजाते हैं। सभी इतने व्यवस्थित रूप से गाड़ी चलाते हैं कि हॉर्न बजाने की
जरूरत ही नहीं पड़ती, बल्कि भैया हमारे इंडिया में हॉर्न बजाते रहो, अगले को असर नहीं हो रहा, अगला जो इधर उधर देख रहा उसको कोई लेना देना नहीं, आप कहीं रह आओ, है ना। ऐसा होता है, आपके साथ हुआ हो तो कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएगा। खैर जो आगे बढ़ते हैं वीडियो में, क्योंकि वीडियो को पूरा करना है। दुबई में ट्रैफिक नियम बहुत स्ट्रिक्ट हैं, यहाँ हर कोई नियम तोड़ने से डरता है। यहाँ ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर नजर नहीं आती, क्यों उसने मिस्टर इंडिया की घड़ी पहन रखी है क्या? आपके दिमाग में यही हरकत मच रही होगी, लेकिन भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। रूल्स क्रॉस करते समय फोटो, नियम तोड़ने के समय और तोड़े गए नियम की डिटेल और चालान का अमाउंट कार मालिक के घर पहुंच जाता है। वैसे आजकल हमारे यहाँ भी आने लगा है, हम जरा तोड़ देते हैं कभी कभी। ऐसे तमाम चालान का साल के आखिरी तक पेमेंट करना जरूरी होता है, अदरवाइज ड्राइविंग के लिए एनओसी नहीं मिलती। चालान का अमाउंट बड़ा होता है, जो मिडिल क्लास इनकम वाले लोगों की कई महीनों की सैलरी भी हो सकती है। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। दुबई में हर गाड़ी पर प्री पेड टोल टैक्स कार्ड होना जरूरी है। जब गाड़ी उन रास्तों पर से होकर गुजरती है तो जहाँ टोल टैक्स बार होते हैं, तो प्री पेड टोल टैक्स कार्ड से सेल्फ पेमेंट हो जाती है। यदि किसी व्हीकल पर प्री पेड टोल टैक्स कार्ड नहीं लगा हुआ है तो वाहन मालिक को टोल टैक्स का 50 गुना चालान भरना होता है। यहाँ तो टोल टैक्स में आए दिन मारपीट होती रहती है भैया, खबरों में आप देखते ही रहते होंगे। सड़क पर चलने वाली हर गाड़ी की स्पीड फिक्स होती है, हर गाड़ी कैमरे की नजर में होती है। डिसाइडेड स्पीड से तेज ड्राइव करने पर चालान भरना पड़ता है। यहाँ हर 3 साल में गाड़ी का लाइसेंस रिन्यू कराना पड़ता है। गाड़ी खरीदते समय भी ड्राइविंग लाइसेंस आवश्यक होता है। दुबई में ड्राइविंग लाइसेंस मिलना आसान नहीं होता, पहली बार लाइसेंस लेने में टेस्ट देना पड़ता है और उसकी भी बहुत सारी प्रोसेस है जिससे आपको होकर गुजरना पड़ेगा। लाइसेंस नहीं होने पर गाड़ी की टेस्ट ड्राइव भी नहीं मिलती। यहाँ तो भैया गाड़ी खरीद ही लो, कोई दिक्कत नहीं है, लाइसेंस तो बनता ही रहेगा। वैसे हम लोगों की एक और आदत होती है, गाड़ी कहीं भी खड़े होकर कैसे भी धोने लगे, लेकिन दुबई में गंदी कार नहीं चलाना, मतलब आपका नुकसान करना। ऐसा करने पर कार के ओनर को 200 दिनार का जुर्माना लगता है। दुबई में खुले में कार धोना भी वर्जित है, कार स्पेशल कार वॉशिंग सेंटर में ही धुलाई जा सकती है। यहाँ के अरबपतियों और उनके बच्चों को अपनी रिचनेस का शो ऑफ करना पसंद है, उनका तरीका भी अनोखा होता है। वे अपनी कार को गोल्डन लेयर से कवर करके घूमते हैं। हमारे यहाँ पेट्रोल लीटर में मिलता है, और यह भी जरूरी नहीं कि आपने जितने पैसे का पेट्रोल खरीदा है आपको शुद्ध उतना ही पेट्रोल मिले, लेकिन दुबई में पेट्रोल गैलन में मिलता है। अब भाई मेरे मन में तो ख्याल आ रहा है कि मैं जाके दुबई में ही शिफ्ट हो जाऊं, आप क्या सोच रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दुबई की सड़कों पर ज्यादातर कार ही नजर आती हैं, बाइक पर या तो फूड डिलीवरी बॉय होते हैं या फिर न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। हमारे देश में पानी सस्ता है, मुफ्त में भी उपलब्ध है, और कोल्ड ड्रिंक महंगा है, जबकि दुबई में पानी महंगा है और कोल्ड ड्रिंक सस्ती है। दुबई में प्याऊ देखने को नहीं मिलते, यहाँ पानी खरीदना पड़ता है। हर जगह पानी का भी बदलता रहता है, कई कई जगह पानी के लिए 200 रुपए तक चुकाने पड़ते हैं। दुबई में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक है। दुबई में हर साल एवरेज रेन 3.71 होती है। दुबई दुनिया का एक हॉट प्लेस है, यही कारण है कि यहाँ घरों और ऑफिस में, यहाँ तक कि बस स्टॉप जैसे पब्लिक प्लेस पर भी एयर कंडीशनर लगे हुए होते हैं। हमारे यहाँ लगे होते ना तो भैया सबसे पहले उन्हें निकाल कर किनारे रख दिया गया होता। दुनिया में ऑयल प्रोडक्शन को लीड करने के बाद भी दुबई सोलर एनर्जी का बहुत ज्यादा निवेश करता है। चाइना दुबई का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है, उसके बाद भारत और अमेरिका का नंबर आता है। यदि आपको पुलिस कंप्लेंट दर्ज करानी है तो आप खुद ही कंप्लेन कर सकते हैं। दुबई के पुलिस स्टेशन मॉडर्न और हाईटेक हैं। शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाना हमारे यहाँ सामाजिक रूप से गलत माना गया है, लेकिन फिर भी इस तरह के संबंध बनते हैं। कुछ यंगस्टर शादी से पहले लिव इन में रहते हैं, बट दुबई में बिफोर मैरिज फिजिकल रिलेशन स्ट्रिक्टली बैन है। ऐसा करने पर आपको अरेस्ट तक किया जा सकता है और फिर सजा भी मिलेगी। यहाँ खुलेआम रोमांटिक एक्टिविटीज करना क्राइम है। भैया हम तो कहीं भी कैसे भी खड़े होकर अपने कपड़े सुखा लेते हैं, हाँ जैसे अपनी बालकनी में, अपने घरों की छतों पर, कभी कभी हम सड़कों पर भी कपड़े सूखते देखते हैं, लेकिन दुबई में आप बालकनी पर कपड़े नहीं सुखा सकते, मतलब आपकी जेब ढीली हो जाएगी अगर आपने कपड़े सुखाए। यहाँ बालकनी में कपड़े सुखाने पर चालान बन जाता है, जिस तरह हमारे यहाँ किसी नाम के आगे श्री सुश्री या श्रीमती लगाने का रिवाज है, उसी तरह दुबई में मेल के लिए शेख और फीमेल के लिए शेखा का यूज किया जाता है। वैसे तो हम धरती को माँ मानते हैं, लेकिन जब जरूरत होती है तो इस धरती से खनिज तेल जैसी चीजों को निकालने में इस बात का ध्यान नहीं रखते कि नेचर को
परमानेंटली हम डैमेज कर रहे हैं। कहीं भी जमीन पर थूकने या गंदगी करने से परहेज नहीं करते, हर दीवार को पान की पीक से लाल कर देते हैं। लेकिन जब से दुबई में तेल की खोज हुई है, जमीन को सम्मान दिया जाता है। कोई जमीन पर नहीं थूकता या जमीन गंदी नहीं करता। सबसे बड़ी आतिशबाजी का प्रदर्शन कर रिकॉर्ड दुबई के नाम है। और एक खास बात बता दूं, दुबई एयरपोर्ट का अपना बैग पाइप बैंड है। लोगों को यह भी गलत फहमी है कि दुबई की इकोनॉमी में सबसे बड़ा पार्ट तेल का होगा। तो भैया बहुत गलत सोचते हैं आप। यहाँ की इकोनॉमी में तेल का कंट्रीब्यूशन मात्र 6% है। यहाँ के रेवेन्यू का बेसिक सोर्स टूरिज्म, बिजनेस और रियल एस्टेट है। दुबई में किसी प्रकार की टैक्स सिस्टम नहीं है। यही वजह है कि कम समय में ज्यादा मनी कमाने और बचाने की इच्छा फॉरनर्स को दुबई की ओर अट्रैक्ट करती है। महंगाई के इंडेक्स में दुनिया के सबसे महंगे शहरों में दुबई 22वें नंबर पर आता है। दुबई में एड्रेस सिस्टम नहीं है। इसका मतलब यहाँ किसी एरिया या पिन कोड या किसी जिप कोड का होना जरूरी नहीं है। किसी जगह पर पहुँचना हो तो उसके नजदीक बनी बिल्डिंग के नाम से वहाँ पहुँचा जा सकता है। दुबई में शराब पर बैन है, नो किलर विदाउट परमिशन। ना यहाँ शराब खरीदी जा सकती है और ना ही घर पर रख सकते हैं। शराब पीने का बैन इस्लामिक पीपल पर लगा हुआ है। विदेशियों और दूसरे रिलीजन के फॉलोअर्स पर यह प्रतिबंध लागू नहीं है। तो टेंशन मत लीजिए, आप जा सकते हैं आराम से। हाँ, खुले में नहीं, बिल्कुल नहीं, चालान कट जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज होने के कारण वर्ष 2006 से दुबई में हॉलीडे शनिवार और रविवार की बजाय शुक्रवार और शनिवार कर दिया गया। यहाँ बढ़ते कंस्ट्रक्शन बिजनेस के कारोबार के कारण दुनिया की 24% क्रेन दुबई में स्थित है। 1990 में दुबई में एकमात्र गगनचुंबी इमारत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर थी, लेकिन आज दुबई में 156 आसमान को छूती हुई इमारतें हैं। यहाँ कुल 911 ऊंचे टावर हैं, बाकी बन रहे हैं। विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में स्थित है। 2010 में इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, तब से लेकर अब तक ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। इसे 90 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। 160 फ्लोर वाली इमारत 828 मीटर ऊंची है। विश्व की सबसे तेज लिफ्ट इसी बिल्डिंग में है। बुर्ज खलीफा के इंटीरियर में 24 कैरेट गोल्ड का यूज हुआ है। दुबई में दुबई लैंड निर्माणाधीन है। यह आकार में डिज्नीलैंड का डबल होगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन होगा। दुबई मरुस्थल में बसा देश है। यहाँ भी दुबई मॉल में इंडोर बर्फ के खेलों का मजा लिया जा सकता है। दुबई में 70 से भी ज्यादा शॉपिंग सेंटर है, इसलिए इसे शॉपिंग सेंटर ऑफ मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है। कुल 1200 स्टोर्स वाला दुबई में स्थित दुबई मॉल विश्व का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। यहाँ का रिटेल एरिया 54 लाख स्क्वायर फीट है, जो 4 फ्लोर में फैला हुआ है। कभी हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अब दुबई को सोने का शहर भी कहा जाता है। ये थी दुबई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।